बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ दी हाइंडगट। अच्छा, हाइंडगट की सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव आनी चाहिए। मिडगट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिडगट की रोटेशन भी हमने पढ़ ली, फिर हाइंडगट की आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट और उसकी एनामलीस। अब फोरगट का हमें पता है कि उसका एंड कहाँ पे था, जहाँ सेकेंड पार्ट ऑफ डिजिनम में बाइल डक्ट ओपन हो रही थी। उससे नीचे जो था हमारे पास राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तक मिडगट थी, और उसके बाद हाइंडगट स्टार्ट होती है, मतलब लेफ्ट वन थर्ड ऑफ कोलन से ट्रांसवर्स कोलन, और फिर डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अब इनकी आर्टरीज का भी हमें पता है कि फोरगट की आर्टरी है सिलिएक ट्रंक, मिडगट की है सुपीरियर मेसेंट्रिक, और हाइंडगट की है इन्फीरियर मेसेंट्रिक, यानी कि इसकी ब्लड सप्लाई इन्हीं की ब्रांचेस से आएंगी, ठीक। पहले तो हमें पार्ट्स आने चाहिए कि भाई कौन कौन सी उसमें। अब हम मिडगट को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम डिस्कस आगे से करेंगे, कहाँ से, हाइंडगट से। तो हाइंडगट हमारा यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो अब हाइंडगट की डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिया, शुरू कहाँ से है और उसके पार्ट्स मैंने बता दिए, और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ दी एनल कनाल। लोअर पार्ट पे नहीं होता, क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल होता है, तो उसकी ब्लड सप्लाई भी चेंज होगी। और जो अपर पार्ट तक जो एनल कनाल है, उसमें बकिया जितने भी पार्ट्स हैं हाइंडगट के, उनकी जो ब्लड सप्लाई आएगी आर्टरी ऑफ दी हाइंडगट, यानी कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये येलो जो भी है ये हाइंडगट का एंडोडर्म है, ठीक है। तो हाइंडगट का जो एंडोडर्म है, उसकी लाइनिंग एपिथीलियम क्या होगी, जो एंडोडर्मल एपिथीलियम मीन सिंपल कॉलमनर जो GIT में आ रही है। अब यहाँ पे ये आगे वाला जो इसका पोर्शन है, ये एलेंटोइस है, ये यूरोजेनाइटर सैनस है, यानी कि ये यूरिथ्रा एंड ब्लैडर भी बनाता है ये वाला पोर्शन इसका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंडोडर्म ऑफ द हाइंड गट आल्सो फॉर्म्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल पोर्शन येलो कलर का जो हाइंड गट का दिखाया है, ये एंटर होता है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द क्लोएका। अब क्लोएका ये रीजन जो है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ क्लोएका, ठीक है। जब यहाँ पे एंटर होता है पोस्टीरियर एंड रीजन ऑफ द क्लोएका, तो उसकी वजह से फिर अब ये इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इस अब ये हाइंड गट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ग्रे कलर का ये सेप्टम आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूरो रेक्टल सेप्टम। यूरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे वाले पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर वगैरह बना रहा है, और पीछे क्या बन रहा है, रेक्टम बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्रीमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस, ये वाला पोर्शन है, इससे आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा बनेगा, ठीक। तो क्लोएका जो है वो हाइंडगट का पोर्शन है, यानी कि वो एंडोडर्मल है, ठीक। अब इसकी यहाँ पे देखो, इस एंड में आके ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री है किसकी, क्लोएका की, जो कि एक्टोडर्म के साथ आके टच हो रही है। इसको हम कहते हैं क्लोएकल मेम्ब्रेन, जो आगे चल के फ्यूचर में क्या बनाएगी, एनल कैनाल, ठीक है। तो एनल कैनाल की यहाँ पे ओपनिंग बनेगी, और ये जो यूरोरेक्टल सेप्टम मीजोडर्मल ये ग्रे कलर का आ रहा है, ये ही हाइंड गट को डिवाइड कर देता है एंटीरियर पार्ट को। एंटीरियर को कहते हैं यूरोजेनाइटल साइनस, पोस्टीरियर को कहते हैं रेक्टम। तो इसीलिए सेप्टम का नाम दिया है यूरोरेक्टल सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम आके देखो इस आखिरी डायग्राम में, देखो इसने यहाँ के एक्टोडर्म में टच किया, और जहाँ पे ये टच करता है वहाँ पे ये बनाता है पेरिनियल बॉडी, ये भी BCQ आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं किसमें, ये हमारे पास जो है यूरोरेक्टल, यहाँ पे ये ग्रे वाला क्या है, यूरोरेक्टल सेप्टम, ये मीजोडर्मल है, ठीक है। इसने सेपरेट कर दिया हाइंड गट को दो पार्ट्स में, ठीक। ये बहुत अहम सवाल है जो आपको आना चाहिए। फिर जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, उसकी कार्डल फोल्डिंग कंटिन्यूज होती है, तो टिप ऑफ द यूरोरेक्टल सेप्टम जो है ये वाला आके एक्टोडर्म को टच करता, जो मैंने आपको बताया वो बनाएगा एनल कैनाल की ओपनिंग। और ये आपको हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, क्लोएकल मेम्ब्रेन रप्चर होती है 7th week में, और ओरल कैविटी जो बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो कब ओपन होती है, रप्चर होती थी 4th week ऑफ द डेवलपमेंट में, उसको हमने ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहा था, ठीक।
अच्छा, अब हाइंडगट ऑफ दी, ये यहाँ पे ये पोर्शन जो है छोटा सा है, ये इस ये यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में आप देखो, ये एलेंटोइस है, और जो डायलेटिन लोअर पोर्शन है इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, ये वही चीज़ है वो जो मैंने पिछली डायग्राम में आपको बताया, यहाँ पे ये क्लोएकल मेम्ब्रेन बन रही है। अब हम आते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला है, ठीक है, ये किस चीज़ का बना हुआ था? मेसोडर्म का। किसको डिवाइड कर रहा है? हाइंड गट को। किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पे। एंटीरियर पार्ट यूरोजेनाइटल साइनस है, जो कि यूरो ब्लैडर बना रहा है। एलेंटॉइस ब्लैडर नहीं बनाता, ब्लैडर के ऊपर अपेक्स पे एक लिगामेंट होता है, मीनियन अम्बिलिकल लिगामेंट, वो बनाएगा, ठीक है, उसका रेमनेंट ये होगा। और पोस्टीरियरली यूरोजेनाइटल साइनस ने हाइंड गट से क्या बनाया? एनल कैनाल। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एनल कैनाल की जो ओपनिंग आ रही है, ये यहाँ पे आके एक्टोडर्म में टच करेगी, तो यहाँ पे ये ओपनिंग वेंट्रल ओपनिंग बनेगी। किसकी? ये वेंट्रल ओपनिंग जो होगी वो यूरोजेनाइटल साइनस की होगी, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो होगी किसकी? हमारे पास होगी एनल कैनाल की, ठीक है। और दोनों के बीच में पेरिनियल बॉडी आपको ये मिल रही है, जहाँ पे यूरोरेक्टल सेप्टम टच कर रहा है एक्टोडर्म को, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास एनल कैनाल है, इसकी जो डेवलपमेंट है दो पार्ट, दो सर्विस से। अपर वाला पार्ट येलो किया हुआ है, मीन एंडोडर्मल है, ठीक है, हाइंडगट से हो रहा है। और जो लोअर पार्ट एक्टोडर्म्स एक्टोडर्मल से ओरिजिन है, इसको क्या कह रहे हैं? प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो अपर पार्ट की जो ब्लड सप्लाई होगी वो उसी से होगी जो इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच होगी, उसकी कंटिन्यूटी वाली जो आएगी, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है उसकी जो ब्रांच ब्लड सप्लाई होगी वो अलग आर्टरी से होगी, क्योंकि ये दोनों, अब ये कह रहा है कि अपर 2/3 ऑफ द एनल कैनाल इज ड्राइव फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द हाइंड गट, एंड लोअर पार्ट ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म रीजन ऑफ द प्रोक्टोडियम ऑन द सर्फेस ऑफ द पार्ट ऑफ क्लोका प्रोलीफ्रेट्स एंड इन्वेजी, ये जैसे यहाँ पे प्रोलीफ्रेट होकर इन्वेजिनेट अंदर की तरफ जाएगा और एनल पिट्स बनाएगा, ठीक है। अब ये ब्लड सप्लाई दिखाइए, क्योंकि अपर पार्ट ड्राइव होता है कहाँ से? एंडोडर्म से। तो उसकी एंडोडर्म हाइंड गट की आर्टरी कौन सी थी? इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी। तो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो अपर पार्ट ऑफ दी उस एनल कैनाल के उस पार्ट को सप्लाई कर रही है जो एंडोडर्मल है, वो किसकी कंटिन्यूशन है? इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी की, ठीक है। और जो लोअर पार्ट एक्टोडर्मल है उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? उस इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होगी, लेकिन वो ब्रांच होगी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। इस पे बहुत अहम BCQ भी आता है, और ये RCP भी पूछते हैं, क्योंकि अपर पार्ट एंडोडर्म से डेवलप है, तो उसकी आर्टरी वो होगी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूशन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच नहीं है, वो किसकी ब्रांच है? अलग से है, क्योंकि वो एक्टोडर्मल रीजन डेवलप होता है। और तो उसकी जो हमारे पास आर्टरी होती है वो कौन सी है? इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, विच इज़ ए ब्रांच ऑफ दी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। ये बहुत अहम सवाल आते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी ये रही, ठीक है, और ये इसकी ब्रांच है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, जो इसको लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही है। और यहाँ पे हमारे पास ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, जो कि कंटिन्यूशन है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, यानी कि ऊपर वाला हमारे पास एंडोडर्म हो गया, नीचे वाला जहाँ पे ये पेक्टिनेट लाइन वगैरह आपको नज़र आ रही है, क्या होगा हमारे पास? एनल कैनाल के यहाँ पे इस जंक्शन पे आप देखो कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट पे हमारे पास जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। वेयर इज पेक्टिनेट लाइन? यहाँ पे आप कहाँ दिखाइए, ये डेंटेट लाइन दिखाई है, लेकिन वो पेक्टिनेट लाइन वो जंक्शन होता है जहाँ पे एंडोडर्म, और इधर है शायद इस डायग्राम में, हाँ ये रही पेक्टिनेट लाइन, ये एंडोडर्मल पोर्शन है, ये एक्टोडर्मल है, इन दोनों के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? पेक्टिनेट लाइन। इस पे BCQs आते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो दी एनल कॉलम, कॉलम जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया, ये एनल कॉलम तो यहाँ पे कहीं होंगे, लेकिन उसके जस्ट यहाँ पे एनल कॉलम बनेंगे एंडोडर्मल पोर्शन में, और यहाँ जस्ट बिलो ये पेक्टिनेट लाइन होगी, ठीक है। ये तो यहाँ पे एपिथिलियम चेंज हो जाती है, क्योंकि GIT की होती है सिंपल कॉलमनर, और यहाँ पे हमारे पास स्किन के साथ आ जाता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथिलियम हो जाती है, ठीक है। और स्किन के साथ होगा तो केराटिनाइज होगी,
ठीक है, अब ये अपना हाइंड गट की एनामलीज हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर यूरोरेक्टल सेप्टम कंप्लीट यहाँ पे सेंड ना करे, जैसे यहाँ पे आके टच किया किसको, एक्टोरम को, अगर ये बीच में कहीं रुक जाए, इधर यूरो ब्लैडर के पास रुक जाए, या यूरिथ्रा के पास रुक जाए, या वेजाना के पास रुक जाए, तो फिर ये फिस्टूला बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम में, ये वाली, इसमें क्या है, ये रेक्टम है और ये कम्युनिकेशन बना रहा है इस यूरिथ्रा से, यूरो रेक्टल फिस्टूला, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ये कम्युनिकेशन बना रहा है वेजाना के साथ, तो रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला है, ठीक है। ये इसकी काज क्या हुई कि ये जो यूरो रेक्टल सेप्टम है, ये कंप्लीट डिसेंड नहीं करता, इस वजह से ये काज में बीसी क्यों पूछते हैं, ऑस्पियो में भी पूछा जाता है। इस सेकंड डायग्राम में आप देखें, इसमें रेक्टो एनल एट्रेसिया, अब ये रेक्टम है और ये इधर आके फर्स्ट वाली में, इसमें तो क्या है, पेरिनियल के पेरिनियम में इसकी ओपनिंग हो रही है, ठीक है, फिस्टूला बना रहा है। और यहाँ पे ये इस रेक्टम ने इधर एनल उसको पिट को टच नहीं किया, यानी कि एक्टोडर्म को टच नहीं किया, तो ये इम्परफोरेट एनस होगा। क्या होगा, क्योंकि ओपनिंग तभी बनेगी एनल कैनाल की जब ये इस एक्टोडर्म को टच करेगा, तो एनल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी 7th वीक में, वो नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये इम्परफोरेट एनस, ठीक है। तो ये एबनॉर्मलिटीज होती है इसकी, ये आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसने देखो क्या दिखाया हुआ है कि ये एनल कैनाल है, नॉर्मली इसने आके यहाँ पे टच किया एक्टोडर्म को, और एनल मेम्ब्रेन जो 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में रपच्चर होगी और एनल कैनाल की ओपनिंग बनेगी। यहाँ पे देखो, इसने टच ही नहीं किया, सॉलिड मास की तरह ही वो पड़ा हुआ एक्टोडर्मल, तो ये इम्परफोरेट है। और यहाँ पे अपर पार्ट एनल सेपरेट हो गया, और लोअर पार्ट ने इसके साथ टच किया, लेकिन इससे पे इस क्या होगा कि स्टूल पास नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें, एनल ओरिफाइस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा डी वाले में क्या है, स्टीनोसिस है, स्टीनोसिस ऑफ दी एनल कैनाल, ठीक है। फिर एक नॉर्मलिटी होती है जीआईटी में, देखो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है, वो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो अगर पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन किसी जीआईटी के रीजन में एब्सेंट है, तो उसको हम कहेंगे, और वो ख़ासतौर पे लार्ज इंटेस्टिन मीन कोलान में, तो उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल मेगा कोलान और ए गैंग्लियनिक मेगा कोलान, और उसका दूसरा नाम है हर्चस्प्रंग डिजीज़। ये बहुत अहम सवाल है, काज क्या है कि किसी भी कोलान के रीजन में पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन जो है वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में मूवमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो नॉर्मल एरिया है, यहाँ से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नॉर्मल होंगी, लेकिन जहाँ पे गैंग्लियन एब्सेंट है, वहाँ पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टूल वहाँ कलेक्ट होता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेगा कोलान। और वजह क्या थी, पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन एब्सेंट है, तो ए गैंग्लियनिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कंडीशन है, ये लार्ज साइज का पोर्शन हो जाता है वो, ये इस तरीके से फिर पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, वो आता है, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन है, बर्थ बेबी हैज़ मिकोनियम इन हर विजाइना, यानी कि मिकोनियम का मतलब है स्टूल, फर्स्ट स्टूल, तो वो विजाइना से निकल रहा है, इसका मतलब है रेक्टम की ओपनिंग विजाइना में, रेक्टो विजाइनल फिस्टूला। और उसकी काज क्या थी, यूरो रेक्टल सेप्टम कंप्लीट सैंड नहीं होता, ठीक है। ये बहुत अहम सवाल है जो आपको आना चाहिए, इतना आना चाहिए हाइंड गट की डेवलपमेंट में। ये हेमोराइड्स दिखाए हैं जो ये देखें, ये इंटरनल हेमोराइड्स हैं, और ये सेकेंड डिग्री, और ये एक्सटर्नल हेमोराइड्स हैं जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन की तरफ से आ रहे हैं, और जो पेक्टिनेट लाइन एंडोडर्म के अंदर है, एंडोडर्मल रीजन में है, वो इंटरनल कहलाते हैं, और वो जो उससे बाहर है वो एक्सटर्नल कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इतना आना चाहिए हाइंड गट की डेवलपमेंट में।